हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल सब कुछ नो। आज आप लोग पढ़ेंगे यूपी बोर्ड क्लास सिक्स मैथ का अभ्यास वन का बी और उसका इंट्रोडक्शन। इससे पहले वाले पार्ट में आप लोगों ने अभ्यास वन ए का पूरा कंप्लीट पढ़ाई किया था। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि सभी लोग आसानी से ऑनलाइन पढ़ाई कर सकें। तो देखिए, हमने आप लोगों को बताया था प्राकृतिक संख्या के बारे में। हमने आप लोगों को ये बताया था कि जो भी गिनती वाली संख्याएं होती हैं उसी को प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। और गिनती वाली संख्याएं आप लोग जानते हैं एक से शुरू होता है, तो यानी कि सबसे छोटी जो प्राकृतिक संख्या होती है, सबसे छोटी जो प्राकृतिक संख्या होती है वह होगी एक। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या एक होगी। और अगर कोई पूछता है सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या, तो सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कोई नहीं होता है, क्योंकि आप लोग जितना भी गिनती करेंगे एक से बड़ा दो, दो से बड़ा तीन, ऐसे बड़ा होता जाएगा। तो कोई प्राकृतिक संख्या सबसे बड़ा नहीं हो सकता है, लेकिन सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या एक होती है। तो इसको आप लोग याद रखेंगे। अब देखिए, आप लोगों को जानना है अनुवर्ती संख्या। अनुवर्ती संख्या को ही उत्तरवर्ती संख्या भी कहते हैं। जैसे मान लीजिए, अगर हमको बताना है, एक दिया गया है, इसका अनुवर्ती संख्या बताना है, अनुवर्ती को उत्तरवर्ती भी कहते हैं। अनुवर्ती संख्या मतलब जब हम लोग किसी भी संख्या में, किसी भी संख्या का अनुवर्ती संख्या मतलब उसके ठीक बाद का संख्या तो बताना होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, एक जोड़ देंगे। अगर एक का अनुवर्ती संख्या बताना तो उसमें एक जोड़ेंगे, कितना मिलेगा, दो मिल जाएगा। तो एक का अनुवर्ती संख्या कौन हो गया, दो हो गया। इसी को अनुवर्ती संख्या कहेंगे। अनुवर्ती मतलब उस संख्या के ठीक बाद का संख्या। जैसे मान लीजिए, हमने अगर पूछा पाँच का अनुवर्ती संख्या बताइए, तो आप लोग क्या करेंगे, पाँच में एक जोड़ देंगे तो जो संख्या मिलेगा यानी कि छः क्या हो जाएगा, पाँच का अनुवर्ती संख्या हो जाएगा। इसी तरह से मान लीजिए, अगर कोई पूछता है 20 का अनुवर्ती संख्या बताइए, तो आप लोग क्या करेंगे, 20 में एक जोड़ देंगे, हो जाएगा 21। तो अनुवर्ती संख्या उसका हो गया 21। मतलब किसी भी प्राकृतिक संख्या में अगर आप लोग एक जोड़ देंगे तो जो संख्या मिलेगा वही उसका अनुवर्ती संख्या हो जाएगा। अब आप लोग देखेंगे पूर्ववर्ती संख्या। जैसे आप लोगों ने देखा अनुवर्ती संख्या, अनुवर्ती संख्या माने होता है ठीक उसके बाद का प्राकृतिक संख्या। लेकिन पूर्ववर्ती संख्या अब आप लोग देखिए, पूर्ववर्ती मतलब उसके पहले का, ठीक उसके पहले का संख्या। जैसे मान लीजिए, हमको 6 का बताना है पूर्ववर्ती संख्या। पूर्ववर्ती संख्या बताने के लिए आप लोग क्या करेंगे, एक घटा लेंगे। तो 6 से पहले कौन आता है, आप लोग जानते हैं 5 आता है। तो 6 का पूर्ववर्ती संख्या हो गया 5, ये आप लोगों को याद रखना है। इसी तरह मान लीजिए 25 है, 25 का कोई पूछता है पूर्ववर्ती संख्या बताइए, तो आप लोग एक घटा लेंगे 25 में से, 24 आ जाएगा, यही 25 का पूर्ववर्ती संख्या हो गया। तो पूर्ववर्ती मतलब समझेंगे आप लोग ठीक पहले का संख्या, अनुवर्ती और उत्तरवर्ती होगा तो आप लोग समझेंगे ठीक बाद का संख्या। तो ये हो गया अनुवर्ती और पूर्ववर्ती संख्या। आप लोगों को यह भी याद रखना है, अगर कोई पूछता है एक का पूर्ववर्ती संख्या बताइए, एक के पहले का पूछेगा, तो आप लोग कहेंगे एक का पूर्ववर्ती संख्या नहीं होगा, क्योंकि एक से पहले कोई प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। तो एक से पहले कोई भी पूर्ववर्ती संख्या नहीं होगा, ये आप लोग याद रखेंगे। आप लोग देखेंगे अभ्यास 1B में जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं, कुल 9 क्वेश्चन दिए गए हैं। बारी बारी से आप लोग सबको सॉल्व करके देखेंगे कि कैसे सॉल्व कर। तो देखिए, यहाँ पर अभ्यास 1B में दिया गया है, निम्नांकित सारणियों में रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए सारणी के नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से केवल एक ही सही है। सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। देखिए, ये जो क्वेश्चन दिया गया है,
ऐसे मान लीजिए एक सारणी दे दिया गया है, इसको आप लोगों के बुक में या तो ऐसे दिया होगा नहीं तो इस तरह से दिया गया होगा, ऐसे करके दिया गया होगा सारणी बना के। देख सकते हैं आप लोग। फिर यहाँ का भी दूसरा नंबर वाला जो क्वेश्चन होगा वो भी इस तरह से दिया गया होगा सारणी बना के। यही कहा गया है, देखिए यही आप लोगों के क्वेश्चन में ये कहा गया है कि जो ये रिक्त स्थान है इसी को भरना है, कह रहा है यहाँ चार ऑप्शन भी दिया गया है, मतलब इस खाली जगह पर या तो 21 या 22 या 26 या 28 कोई एक ही हो सकता है, कौन सा होगा वही यहाँ भरना है आप लोगों को। तो यहाँ समझने के लिए देखिए ऊपर दिया गया है पहले नंबर के क्वेश्चन में चार दिया, चार के बाद देखिए पाँच, पाँच के बाद छः, छः के बाद सात, सात के बाद आठ, मतलब एक एक बढ़ता जा रहा है। तो ठीक उसी तरह से देखिए यहाँ 23 के बाद 24, 24 के बाद 25, 25 के बाद आप लोग जानते हैं क्या आएगा 26, तब 27। तो यहाँ आप लोग क्या भरेंगे 26 भरेंगे। तो जब यहाँ 26 भरेंगे तो 26 देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, ये तीसरा वाला 26 है, तो इस 26 पर ऐसे आप लोग टिक कर लेंगे, इसका मतलब कि 26 भरना है यहाँ। इसी तरह से देखिए दूसरा वाला क्वेश्चन, इसमें जब देखेंगे यहाँ तो 9 के बाद देखिए 8 घट रहा है, 8 के बाद 7 एक एक घट रहा है, 7 के बाद 6, 6 के बाद 5। तो आप लोग यहाँ देखिए 35 दिया है, 35 के बाद 34, 34 के बाद आप लोग जानते हैं 33 होगा, तब फिर 32, फिर 31। तो 33 इस वाले ऑप्शन में कौन सा है, तो देख सकते हैं आप लोग दूसरा वाला है, तो दूसरे वाले पर ऐसे टिक कर लेंगे। तो इस तरह से आप लोगों को इसको भर लेना है। अब ये पहला और दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, अब हम लोग तीसरे नंबर से देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, निम्नांकित प्रश्नों में उत्तर के चार विकल्प दिए गए हैं, सही उत्तर छांट कर लिखिए। अब देखिए यहाँ चार क्वेश्चन दिया गया है, इसमें ऑप्शन भी चार दिया गया है, जो सही है उसी पर टिक कर लेना है। देखिए 13 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या पूछा, हमने बताया अनुवर्ती मतलब ठीक उसके बाद का, तो आप लोग जानते हैं 13 के बाद आता है 14, तो 14 वाला देखिए ये तीसरा ऑप्शन है, इस पर टिक कर लेंगे। फिर देखिए ख में दिया है 27 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या है, अभी हमने वीडियो के शुरू में आप लोगों को बताया पूर्ववर्ती किसको कहते हैं, ठीक पहले का, तो 27 के पहले का क्या करेंगे, एक कम कर देंगे 27 में से, मतलब 26 हो जाएगा, तो 26 पर आप लोग टिक कर लेंगे। इसी तरह से देखिए ग में दिया गया है 6 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या, अनुवर्ती मतलब उसके ठीक बाद की, तो कौन होगा, यहाँ 6 और 7 दोनों दिया है, यहाँ केवल 8, यहाँ 6, 7, 8, यहाँ केवल 7, तो आप लोग जानते हैं 6 के ठीक बाद का मतलब अनुवर्ती संख्या, एक जोड़ेंगे तो आएगा, 6 में एक जोड़ेंगे तो क्या होगा, केवल 7 होगा, तो इसका अनुवर्ती संख्या केवल 7 हो जाएगा। 15 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या कहाँ है, घ वाले में, तो क्या हो जाएगा, पूर्ववर्ती मतलब उसमें से एक कम कर देंगे पहले का, तो 15 के पहले आप लोग जानते हैं क्या होगा, केवल 14 होगा, 14 15 दिया है, 14 16 केवल 16 दिया है, लेकिन 15 के पहले केवल क्या आएगा, केवल 14 आएगा इसका पूर्ववर्ती संख्या। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है, इसको आप लोग नोट करिए, फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है, निम्नलिखित कथनों में से सत्य और असत्य छांटिए, इसमें देखिए बताना है कौन सा सत्य है कौन सा असत्य है। इससे पहले आप लोग कुछ बातें याद रखिएगा, देखिए एक होता है संख्या रेखा, जैसे आप लोग अगर कॉपी पर अपने या कहीं भी एक सीधी लाइन ऐसे खींच लेंगे, ये बात याद रखिएगा, एक सीधी लाइन खींच लेंगे और इस पर आप लोग प्राकृतिक संख्याओं को लिख देंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ से हमने शुरू किया, एक हो गया, फिर मान लीजिए दो हो गया, तीन हो गया, दाएं तरफ बढ़ते जाएंगे ऐसे, चार हो गया,
5 हो गया, ऐसे बढ़ते जाएंगे। संख्या रेखा इसी को कहते हैं, एक सीधी रेखा, एक ऐसी रेखा जिस पर प्राकृतिक संख्याएं लिखी गई हो बढ़ते क्रम में, इसी को हम लोग कहते हैं संख्या रेखा। आप लोग एक बात और याद रखेंगे हमेशा, जो प्राकृतिक संख्या देखिए एक है, इसके बाद वाला प्राकृतिक संख्या क्या होगा, इससे बड़ा होगा, इसके बाद वाला इससे बड़ा, ऐसे प्राकृतिक संख्याएं हमेशा यहाँ बाएं तरफ से लिखेंगे और दाएं तरफ बढ़ते जाएंगे। तो इसी को हम लोग कहते हैं संख्या रेखा। अब देखिए यहाँ पर पहला नंबर में दिया गया है एक सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या। हमने जब वीडियो शुरू किया ये तो हमने आप लोगों को बताया एक सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या होती है, क्योंकि हम लोग गिनती एक से ही शुरू करते हैं फिर बढ़ते जाते हैं। तो सबसे छोटा कौन हुआ, एक हुआ प्राकृतिक संख्या। तो सत्य असत्य बताना है तो इसको हम लोग लिखेंगे सत्य है, सही कह रहा है क्योंकि एक सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। दूसरा नंबर देखिए दिया है संख्या रेखा पर निरूपित किसी प्राकृतिक संख्या के। देखिए यही मान लीजिए हमने संख्या रेखा बनाया है, कह रहा है संख्या रेखा पर जो भी ये प्राकृतिक संख्याएं लिखी गई हैं, कह रहा प्राकृतिक संख्या के दाहिनी ओर की प्राकृतिक संख्याएं उससे छोटी होती हैं। तो देखिए ये गलत कह रहा है, कह रहा है प्राकृतिक संख्या जो भी है उसके दाहिने ओर का कह रहा है कि छोटा होता है, कह रहा है देखिए उससे छोटी होती हैं। तो दाहिने ओर का कह रहा है छोटी होती हैं जबकि देखिए दाहिने ओर बड़ा होता है, तो ये गलत कह रहा है। तो गलत के लिए आप लोग लिखेंगे असत्य, असत्य मतलब सही नहीं है, ये सत्य नहीं है। अब देखिए तीसरा नंबर में दिया गया 101 से बड़ी क्रमागत संख्याएं 102, 103, 104 हैं। क्रमागत संख्या देखिए किसको कहते हैं, क्रमागत, क्रमागत मतलब उसके बाद उसके बाद उसके बाद सीरियल से जो भी संख्याएं होंगी। जैसे मान लीजिए अगर हमने कहा 4 का क्रमागत संख्या बताइए, तो 4 के बाद कौन कौन संख्या आएंगे, 5, 6, 7, 8 ऐसे सीरियल से, तो इसी को हम लोग कहेंगे क्रमागत। तो देखिए 101 का क्रमागत कह रहा है, 102 होगा, 103, 104 तो सही है, तो हम लोग लिखेंगे इसको सत्य। अब देखिए चौथे नंबर पर कहा है 23 एक प्राकृतिक संख्या है। आप लोग जानते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 100, 1000, लाख जितने भी संख्या होते हैं सभी क्या है, प्राकृतिक संख्या होते हैं, तो सत्य हो जाएगा 23 क्या है, प्राकृतिक संख्या है। फिर देखिए पांचवा नंबर पर दिया गया प्राकृतिक संख्याओं में कोई संख्या सबसे बड़ी नहीं होती है। ये भी हमने जब वीडियो शुरू किया तो आप लोगों को बताया कि कोई प्राकृतिक संख्या बड़ा नहीं होता, जो भी प्राकृतिक संख्या आप लोग कहेंगे उससे भी बड़ा हो जाएगा, तो कोई प्राकृतिक संख्या बड़ा नहीं होता है, ये भी सही कहा गया है, तो हम लोग इसको भी लिखेंगे सत्य। ये देखिए कहा गया है प्राकृतिक संख्याएं में कोई संख्या सबसे बड़ी नहीं होती है, तो सही बात है, कोई बड़ा नहीं होगा, छोटा केवल पता है कि एक सबसे छोटा है। तो इस तरह से आप लोगों का ये क्वेश्चन 4 कंप्लीट हुआ। हम आप लोग इसको नोट करिए, फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 से देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 और 9 दिए गए हैं, बारी बारी से हम लोग सबको सॉल्व करके देखते हैं। यहाँ क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है 9999 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ से आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो देखिए इसकी अनुवर्ती संख्या ज्ञात करने के लिए कहा, हमने आप लोगों को बताया जब भी अनुवर्ती, अनुवर्ती मतलब बात की संख्या निकालना होगा तो एक जोड़ लेंगे, तो इसमें जो संख्या दिया गया है हल में इसके क्या करेंगे, ऐसे आप लोग लिखेंगे और इसमें एक जोड़ लेंगे, जब एक जोड़ेंगे जो आएगा वही इसकी अनुवर्ती संख्या हो जाएगी। तो 9 में एक जोड़ेंगे तो देखिए 10 को 0 हासिल 1, 9 और 1 हासिल जोड़ेंगे 10 को 0 हासिल 1, फिर 9 और 1 जोड़ेंगे 10 को 0 हासिल 1 और 9 और 1 10, यानी कि ये हो गया 10,000 इसकी अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या। लिखेंगे अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या बराबर 10,000, यही आप लोग लिखेंगे, यही आप लोगों का उत्तर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस तरह से यहाँ जोड़ना भी है। अब इसी तरह से देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है, कहा गया है 101,000 की
101 की पूर्ववर्ती, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है 101 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए। अब पूर्ववर्ती का है, पूर्ववर्ती मतलब पहले का, जब पूर्ववर्ती कहेगा तो आप लोग एक घटाएंगे, तो ये जो संख्या दिया गया है इसमें से आप लोग क्या करेंगे, एक घटा लेंगे, घटाने के लिए माइनस लगा लेंगे, घटाएंगे। तो देखिए जब एक घटाएंगे तो एक में से एक घट जाएगा, जीरो, यहाँ जीरो, यहाँ भी जीरो, यहाँ भी जीरो, और यहाँ भी जीरो, और यहाँ बचेगा एक, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। हम लोग लिखेंगे पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या, इस संख्या का पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या बराबर कितना हो जाएगा, एक लिखेंगे, और देखिए 5 बार 0 है, तो 5 बार 0 यही उत्तर हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप लोग सॉल्व कर लेंगे। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है, संख्या रेखा खींचिए और उस पर 9 तक की प्राकृतिक संख्याएं प्रदर्शित कीजिए। एक आप लोग ऐसे खींच लेंगे लाइन, ऐसे सीधा एक लाइन खींच लेंगे और कहीं भी ऐसे एक लिख लेंगे, 1 से 9 तक लिखना है, कर आप बराबर दूरी पर होने चाहिए, 2, 3 ऐसे ये सब बराबर दूरी पर रहेगा, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, 1 से 9 तक का प्राकृतिक संख्या लिखना था, तो हमने 1 से 9 तक का प्राकृतिक संख्या लिख दिया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में 4 अंकों की छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या लिखिए, इसकी पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे पहले क्या कहा है हल में, हल में ये कहा गया है, हम लोग यहाँ हल कर लेते हैं। हल में कहा गया है 4 अंकों की छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या, हमने इसको आप लोगों को पहले वाले वीडियो में बताया था। सबसे छोटी संख्या कैसे लिखेंगे, लिखेंगे 4 अंकों की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या बराबर, हमने ये बताया था आप लोगों को जब भी छोटी संख्या लिखना होगा तो एक लिखेंगे और आगे जीरो, कितना जीरो, 4 अंकों का लिखना है, तो एक संख्या तो यही हो गया, फिर 2, 3, 4 मतलब 4 अंक हमने लिखा है, एक तो हमने एक लिखा और 3 बार 0, तो यही 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो गई। अब हमको क्या करना है, कहा है 4 अंकों की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या लिखिए, तो एक तो हम लोगों ने लिख लिया, फिर कहा है इसकी पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए। पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या इसकी क्या होगी, इसमें से एक घटाना पड़ेगा, तो हम लोग घटाएंगे, लिखेंगे इसकी पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या बराबर, अब पूर्ववर्ती के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसी में से एक घटा लेंगे, यहाँ पर लिखना है, देखिए जगह कम है, तो इसमें से जब हम लोग एक घटाएंगे तो कितना होगा, देखिए ये हासिल उसको देगा, ये इसको ऐसे करते हुए यहाँ 10 होगा, 10 में से एक घटाएंगे तो 9, यहाँ बचेगा 9 और यहाँ भी बच गया 9, 999, यानी कि जो हमारा आंसर आया 999, ये आंसर हो जाएगा, ये उत्तर हो जाएगा। फिर देखिए ये लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया 6 अंकों की बड़ी से बड़ी प्राकृतिक संख्या लिखकर इसकी अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए। कहा है कि 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो आप लोग जानते हैं, या हम लोग हल कर लेते हैं, 6 अंकों की सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या बराबर हो जाएगा, जब बड़ी संख्या लिखना होगा तो केवल 9 लिखेंगे, 6 बार 9 लिख लेंगे, ये सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या हो गई। और कहा है कि इसकी अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या, अनुवर्ती मतलब बाद का बताना है, तो हम लोगों को बाद का कैसे निकालेंगे, यहाँ देखिए लिख लेते हैं, अनुवर्ती संख्या जब इसका लिखना होगा
तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, एक जोड़ लेंगे। इसमें छ बार जो हमने नौ लिखा है उसमें एक जोड़ लेंगे। जब जोड़ेंगे तो देखिए नौ एक दस को जीरो हासिल एक, यहाँ भी नौ एक दस हो जाएगा, जीरो हासिल एक, फिर नौ एक दस को जीरो हासिल एक, नौ एक दस को जीरो हासिल एक, नौ एक दस को जीरो हासिल एक और नौ एक दस, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा एक है। और देखिए तीन तीन छः बार जीरो आया है, इसको आप लोग सही से लिख के और सॉल्व कर लेंगे। इस तरह से ये अभ्यास वन का बी कंप्लीट होता है। फिर अगले वीडियो में आप लोग अगला अभ्यास देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही।